भाई कोडी रोड्स एक्चुअल में विनर ही नहीं थे रॉयल रंबल 2024 के, भाई सीएम पंक एक्चुअल विनर थे 2024 के रॉयल रंबल के, लेकिन भाई वो लास्ट मिनट चेंज हो गया था। तो भाई होता ही है कि रॉयल रंबल 2024 के मैन मैच में सीएम पंक का भाई जो आर्म है वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, एंड देन भाई सीएम पंक के आर्म के इंजर्ड होने की वजह से सीएम पंक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते आगे जाकर के। एंड देन भाई ये मैच आप नोटिस किए होंगे तो बहुत देर तक चला था भाई, लास्ट के टू कंपिटेटर में भी 10 से 15 मिनट तक फाइट किए थे, उसमें पेडिग्री कोडी रोड्स का क्रॉस रोड्स एंड देन सीएम पंक का जीटीएस वगैरह भी हमें देखने को मिला था। बट भाई ये मैच इतना लॉन्ग इसलिए हुआ था क्योंकि भाई लास्ट मिनट तक नहीं पता था कि इस रॉयल रंबल मैंस मैच को कौन जीतेगा। कोडी रोड्स जान रहे थे कि सीएम पंक ही जीतने वाले हैं, इसलिए भाई सीएम पंक ने कोडी रोड्स को बोला था कि अभी होल्ड करो और अभी हम फाइट करते हैं। एंड देन भाई मैच के बीचों बीच रेफरी को बुलाते हैं सीएम पंक और बताते हैं कि जो उनका आर्म है वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, अब अपने आर्म की वजह से वो रेसलमेनिया 40 के लिए कंफर्म नहीं कर पाएंगे, और पूछ किया हो कि क्या कोडी रोड्स इस रॉयल रंबल मैच को जीत सकता है। एंड देन भाई उसके बाद से रेफरी आते हैं और बताते हैं सीएम पंक को, तो भाई लास्ट मिनट चेंज होता है एंड देन भाई कोडी रोड्स जो है वो रॉयल रंबल मैंस मैच को जीत जाता है। तो भाई कोडी रोड्स पहले से पूरी तरह से क्लियर नहीं थे कि वो रॉयल रंबल मैंस मैच को जीतेंगे, भाई एक्चुअल रियल प्लान तो सीएम पंक के लिए था कि सीएम पंक मैंस रॉयल रंबल मैच को जीतेंगे। तो भाई इस बारी के रॉ में जब सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को कंफर्म करते हैं तो फुल्ली कंफर्म हो गया है कि सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का मे बी मैच हो सकता है, और रोमन रेंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू अलग प्लान चीजें करी है, इसलिए तो भाई कोडी रोड्स नहीं जीतने वाले थे रॉयल रंबल मैंस मैच को। तो भाई मे बी रेसलमेनिया 40 में हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिल सकता है, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअल प्लान की उस सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 40 में कराने के लिए, एंड भाई रोमन रेंस का अभी भी एक रॉक का आने का अभी भी प्लान हो सकता है मे बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा डब्ल्यूडब्ल्यू का डिसीजन। मिलते हैं नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।